फंक्शन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग का स्कूल सिस्टम में क्या फंक्शन है उनसे हम क्या सीख सकते हैं सबसे पहले तो गाइडेंस का जो फंक्शन है वो एजुकेटिव है इसका ये मतलब है कि हम स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड कैसे कर सकते हैं हाउ कैन वी अप्रोप्रिएटली गाइड स्टूडेंट्स सो दे चूज देयर टॉपिक एरियाज दे चूज देयर पोटेंशियल करियर सब्जेक्ट और इसके अलावा वो वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं सो so, इस इस लिहाज से गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर ए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स टू बी यूज इन द स्कूल सिस्टम स्टूडेंट्स को सही गाइड करना स्टूडेंट्स की को चॉइस ऑफ टॉपिक्स और चॉइस ऑफ सब्जेक्ट एरियाज जो है उनमें मदद करना ये बहुत जरूरी अमल है हमारे स्कूल्स में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है हम स्टूडेंट्स की स्किल्स को डेवलप होता नहीं देख रहे होते क्योंकि हम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स के ग्रेड्स लाने में उनको उनके टेस्ट स्कोर्स में मदद करने में हम ये देख ही नहीं रहे होते कि स्टूडेंट का असल पोटेंशियल है किस तरफ अ स्टूडेंट हु इज गुड इन आर्ट मे नॉट बी गुड इन मैथमेटिक्स अ स्टूडेंट हु इज अ प्रोलिफिक राइटर मे नॉट बी गुड इन साइंस तो हम अगर ये चीज़ें पहले से डिटर्मिन कर लें और उसको एक एजुकेशनल टच दे दें तो हम स्टूडेंट्स की करियर डेवलपमेंट में बहुत मदद कर सकते हैं इसलिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग का बहुत छोटे लेवल से स्कूल में इनको इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक रिफ्लेक्टिव फंक्शन है अब रिफ्लेक्टिव फंक्शन से हमारी क्या मुराद है रिफ्लेक्टिव फंक्शन से हमारी यह मुराद है कि हम स्टूडेंट्स को सोचने में उनकी मदद करें उनको सही टारगेट्स पे लेकर आएं और वो अपने हर अमल या वो तदरीसी अमल है या वो बेहवोरियल अमल है उसमें उनको हम सोचने पर मजबूर करें कि वो हर काम करते हुए सोचें उसको एनालाइज करें उसके डूज एंड डोंट्स देखें हर काम इसलिए ना करें क्योंकि ये करना है क्यों करना है सो द क्वेश्चनिंग माइंड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हम जब अपना तदरीसी अमल शुरू करते हैं तो उसमें हमें स्टूडेंट्स को ये बताना जरूरी है कि सिर्फ किताब को जो है वो इसलिए ना पढ़ें कि आपने इम्तहान देकर उसको पास करना है आप उससे क्या सीख रहे हैं और इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे आप एग्री नहीं करते या करते हैं और क्यों करते हैं यह सब रिफ्लेक्शन के अंडर आता है सो इफ़ वी आर एबल टू मेक स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टिव वी एक्चुअली हेल्प देम टू चूज देयर करियर पाथ्स वी एक्चुअली हेल्प देम टू मर्ज वेल इन द सोसाइटी जो कि एजुकेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है द ओवरऑल एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक एन इंडिविजुअल मर्ज वेल इन सोसाइटी सो दैट ही और शी कैन बिकम अ फंक्शनल ह्यूमन बींग तो रिफ्लेक्शन के जरिए हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक वेलफेयर फंक्शन है जिसका मकसद ये है कि हम जो हैं वो स्टूडेंट्स को एस किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो अपनी एग्जिस्टेंस से किसी को तकलीफ ना दें या उनकी शख्सियत से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचे या वो सही तरीके के साथ सोसाइटी में को एग्जिस्ट कर सकें दूसरे लोगों के साथ सो so, एक वेलफेयर फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो so, जब हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के फंक्शंस की बात करते हैं तो इसमें हम आमतौर पर तीन चीज़ें जो हैं इन पर डिस्कशन करते हैं जिसमें एजुकेटिव रिफ्लेक्टिव और वेलफेयर सिस्टम आ जाता है इसमें हम स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि नॉन वायलेंट तरीके के साथ कैसे रह सकते हैं ऑनेस्टी और ट्रूथ जो है दे आर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इसके अलावा लव एंड पीस आर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जिस जिसकी हमारी सोसाइटी को अशद ज़रूरत है इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो सोशल और इमोशनल लर्निंग की डेवलपमेंट में बहुत मदद देते हैं जैसे मैंने पहले कहा कि हम जो हैं वो एकेडमिक फोकस जो है वो तो करते हैं उसके साथ साथ सोशल एंड इमोशनल फोकस बहुत जरूरी है सोशल एंड इमोशनल फोकस का मतलब है कि एकेडमिक कंटेंट और सोशल एंड इमोशनल कंटेंट दे नीड टू बी मर्ज टुगेदर दे नीड टू बी प्रेजेंटेड एज एन इंटीग्रेटेड करिकुलम सो दैट गाइडेंस एंड काउंसलिंग दे आर एम्बेडेड इन द करिकुलम ये बहुत जरूरी है इसके अलावा वट इज इंपॉर्टेंट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अलावा हम जो है टीचर सपोर्ट किस तरह ला सकते हैं इसके थ्रू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है उसका एक ये भी फंक्शन है दैट इट इट इंकरेजेस टीचर सपोर्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिक्वायर्स होल स्कूल कमिटमेंट एक टीचर का सपोर्ट देना या स्टूडेंट का जो है सीखना और उसका तजस् जो है वो सिर्फ मसले को हल नहीं करेगा इट रिक्वायर दर टीचर सपोर्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो जब हम फंक्शन काउंसिलिंग की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मिलकर आती हैं कोई एक शख्स अगर तो दे रहा है तो उससे मसला जो है वो हल नहीं होगा उससे मसला जो है वो ठहर तो सकता है हल नहीं हो सकता बिकॉज होल स्कूल कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड द प्रिंसिपल द टीचर्स द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ द स्टूडेंट्स द पेरेंट द कम्युनिटी